लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म। 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 117 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। तमिलनाडु की सभी 39, महाराष्ट्र की 19, उत्तर प्रदेश की 12 और मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज वाराणसी से नामांकन करेंगे दाखिल। यहां उनका मुकाबला भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से है, जबकि कांग्रेस से अजय राय भी मैदान में है। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी गुजरात में करेंगे चुनावी सभा। सपा प्रमुख मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के हरदोई और इलाहाबाद में, जबकि मायावती फतेहपुर और उन्नाव में करेंगे चुनावी जनसभा। भाजपा नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हुआ जारी। इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार और झारखंड में चुनाव प्रचार करने पर लगाई रोक, उनके पाकिस्तान वाले विवादित बयान पर मांगा जवाब। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में एक जनसभा में कहा कि व्यक्तिगत आरोप लगाना कोई राजनीति नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये चुनाव सोनिया गांधी के जीतने या क्षेत्र के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये चुनाव देश की एकता और तहजीब को बनाए रखने के लिए भी है। आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया इल्मी अपने बयानों की वजह से विवादों में घिरती दिख रही हैं। शाजिया ने कहा, मुसलमान बहुत ही ज्यादा धर्मनिरपेक्ष होते हैं, उन्हें सांप्रदायिक बनना चाहिए। सीबीआई ने पूर्व कोयला सचिव पीसी पारक को पूछताछ के लिए जारी किया समन, मई में होगी उनसे पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट ने देश में सड़क हादसों को लेकर तलख टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि देश की सड़कें बड़ी संख्या में लोगों की बेशकीमती जाने ले रही हैं और हादसों पर लगाम लगाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दिए जा रहे सरकारी विज्ञापनों पर खर्च हुए सार्वजनिक धन पर उठाया कदम। इस तरह के दुरुपयोग से बचने के लिए एनआर माधव मेनन की अध्यक्षता में दिशा निर्देश बनाने के लिए कमेटी का किया गया गठन। वायदा बाजार में कारोबार की समाप्ति से बाजार में तेजी है। सेंसेक्स और निफ्टी अपने उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। यूक्रेन के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने रूस समर्थक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सैन्य अभियान दोबारा शुरू करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश प्रदर्शनकारियों द्वारा दो लोगों की हत्या के बाद जारी किया गया है। आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ फिल्मकारों में से एक सत्यजीत रे की पुण्यतिथि है। भारतीय सिनेमा को दुनिया भर में एक नई पहचान दिलाने वाले चुनिंदा फिल्मकारों में सत्यजीत रे का नाम सबसे ऊपर आता है।